ऑफिस पे आप बैठे हैं उपोषण को, क्या डिमांड है आपकी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं रहने वाला हूँ बड़कल की खासीवाड़ा औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर। मैं आज कलेक्टर ऑफिस के सामने इसलिए बैठा हूँ कि मेरा बच्चा 10वीं क्लास में है और 10वीं क्लास में उसका एडमिशन हो चुका है 9वीं से पैरामाइड इंग्लिश स्कूल। कहाँ पर है स्कूल ये? हिमायत बाग। तो क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर मेरे बच्चे के लिए मैं जब 10वीं के लिए गया फीस भरने के लिए, उसके बाद वहाँ जब गया स्कूल में तो उन्होंने बोले आपके बच्चे, मेरे बच्चे को स्कूल में जब ले गया तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे को हम स्कूल में नहीं बैठने देंगे। मैंने जब उनसे पूछा क्यों नहीं बैठने देंगे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे संस्था से बात करो। तो फिर मैं प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल ने भी वही जवाब दिया, वाइस प्रिंसिपल ने भी वही जवाब दिया। फिर मैं संस्था के ऑनर से मिला, उन्होंने मुझे बताया आपके बच्चे ने बहुत ऐसे काम किए, सब उन्होंने अलग अलग काम बताए, मुझे कोई एक ऐसा काम नहीं बताया जिससे मुझे मैं सहमत हुआ हूँ। उन्होंने कुछ नहीं, मैं फिर मैंने बताया क्यों नहीं बैठने दे रहे, नहीं बोले अब हमको आपके बच्चे को बिठाना नहीं, बस इतना उन्होंने बताया। फिर आगे क्या हुआ, आपने क्या करे? आगे मैंने शिक्षण अधिकारी को पत्र व्यवहार करा, शिक्षण अधिकारी को पत्र व्यवहार करा तो उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने माननीय जिलाधिकारी साहब को पत्र व्यवहार करा, जिलाधिकारी ने तीन से चार बार उनको शिक्षण अधिकारी को लेटर दिए कार्रवाई करो, शिक्षण अधिकारी ने संस्था के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी क्या डिमांड है आपकी? अभी मेरी डिमांड सिर्फ अब जिला अधिकारी से है कि न्याय देने वाले पालक हमारे वही है अभी जिला के, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि मेरे बच्चे को 10वीं क्लास में बैठने के लिए आप लेटर इशू करें और शिक्षण अधिकारी और जिस जिसने संस्था के वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और संस्था ऑनर के ऊपर कार्रवाई करके मुझे न्याय दी। ये तो अभी तो 6 महीने बीत गए, आपके बच्चे के तालीम का नुकसान हुआ उसका क्या है? अब मेरी जो भी तालीम का नुकसान हुआ वो नुकसान मैं शिक्षण अधिकारी और संस्था के ऊपर ढकेलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा, मैंने उनसे अपील भी की, उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। मुझे आज ये टाइम आ गया कि मुझे जिलाधिकारी सामने, कार्यालय के सामने मुझे आज उपोषण पर बैठना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद साहब।